नमस्कार, कृपया वीडियो को पूरा देखें। आज के समय में जब पूरा संसार कोविड-19 नामक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, ऐसे समय में मेडिटेशन का महत्व और भी बढ़ जाता है। कुछ लोग तो इस महामारी के गंभीर परिणामों के कारण डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी गंभीर समस्याओं का शिकार हो गए हैं। आज हम आपको इन समस्याओं से निजात पाने के लिए मेडिटेशन के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो आइए जान लेते हैं कि मेडिटेशन क्या है। ध्यान अर्थात मेडिटेशन एक ऐसा आध्यात्मिक तरीका है जिससे हम अपने मन तथा शरीर को शांत तथा वैचारिक विकारों से मुक्त कर सकते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं कि मेडिटेशन करने का सही समय क्या है। मेडिटेशन करने के लिए सुबह खाली पेट या शाम खाना खाने से पहले का समय सबसे अच्छा रहता है। शांत व स्वच्छ हवा वाला वातावरण मेडिटेशन के लिए उपयुक्त है। मेडिटेशन करने के लिए आप आरामदायक व ढीले ढाले वस्त्र पहने। मेडिटेशन से पहले आप 3 से 4 मिनट स्ट्रेचिंग जरूर करें, इससे आपकी पूरी बॉडी शेप में आ जाती है। मेडिटेशन करने के लिए आप किसी शांत जगह पर जाकर पालथी लगाकर बैठ जाइए। अब अपनी कमर को सीधा करें तथा आंखों को बंद कर लीजिए। अब आप अपने दिमाग से समस्त विचारों को निकाल दीजिए। कोशिश करें कि कोई भी नकारात्मक विचार अब आपके मन में न हो। अपने ध्यान को आंखों के मध्य माथे के निचले भाग पर केंद्रित कीजिए। नियमित रूप से सांस लेते रहे। अपने सांस पर ध्यान रखें। सांसों की गति को नियमित रखें। अब धीरे धीरे अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। अब आप महसूस करें कि आपके शरीर में एक नवीन आंतरिक शक्ति का संचार हो रहा है। अपने श्वासों की गति पर ध्यान केंद्रित रखें तथा महसूस करें कि हमारे शरीर में एक नई चेतना विकसित हो रही है। मेडिटेशन को आप 5 मिनट से लेकर आधा घंटा या 1 घंटा तक भी कर सकते हैं। जब भी आप मेडिटेशन को समाप्त करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपनी आँखों को एकदम ना खोले। सबसे पहले अपनी हथेलियों को आपस में रगड़े तथा फिर उन्हें अपनी आँखों पर रखे। अब धीरे धीरे आँखें खोले। इस मेडिटेशन को करने से आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। अगर आपको हाई बीपी की समस्या है तो डेली मेडिटेशन करने से हाई बीपी की समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। डेली मेडिटेशन करने से आपका ऑक्सीजन लेवल बूस्ट होता है तथा फेफड़े मजबूत बनते हैं। इससे आपकी मेमोरी शार्प होती है, जिससे आप अपने काम पर ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो डेली मेडिटेशन करें, क्योंकि इससे कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है तथा आप मेथड्स को जल्दी सीख पाते हैं, जिससे आपका पढ़ाई में मन अच्छे से लगने लगता है। इस मेडिटेशन से आपका इंद्रिया तथा कोशिका नियंत्रण बढ़ता है। आप इस मेडिटेशन को नियमित रूप से 10 से 15 दिन करने पर ही अपने शरीर तथा जीवन में अनेक परिवर्तन महसूस करेंगे। धीरे धीरे आपका मन तनाव तथा चिंता मुक्त हो जाएगा। अब जान लेते हैं मेडिटेशन के लाभ के बारे में। नियमित रूप से मेडिटेशन करने से मन शांत रहता है, हमारी बुद्धि तेज होती है, जिससे हम चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। मेडिटेशन हमें अच्छी नींद लाने में बहुत मदद करता है। मेडिटेशन से हमारा तंत्रिका तंत्र अर्थात स्पाइन एक्टिव होता है, जिससे शरीर में आलस्य की समाप्ति होती है। हम एनर्जी से भरे रहते हैं। हमारा मन तथा मस्तिष्क
स्वस्थ बनता है। हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी रक्त वाहिनियों में ऑक्सीजन का प्रवाह सभी अंगों तक अच्छे से होता है। इससे हमारी जीवनी शक्ति में वृद्धि होती है, हमारा जीवन खुशहाल होता है। इसके अलावा हम कुछ अन्य अभ्यास जैसे अनुलोम विलोम तथा ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। इससे हमारे शरीर के सभी टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकलते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।